क्या बात, तू हर रोज लेट ही आ रहा है। जाम लगा हुआ था, वहां फंस गया था मैं। ट्रक से आया? जो तू जाम में फंस गया था, आया तो तू मोटरसाइकिल से ही है। मोटरसाइकिल पे कौन सा लाल बत्ती लगी हुई है जिसे देख के लोग रास्ता छोड़ देंगे? बाप से बात करने की तमीज सीख। सीख लेंगे जो खुला टाइम होगा, सीख लेंगे। और डैडी और बेटा घर पे, यहाँ पे नहीं, दुकान पे। आप मेरे बॉस हो और मैं आपका सेल्समैन। और अब ये फालतू की बात हो गई हो तो काम की बात करें। एक महीना हो गया उस माल को गोदाम में पड़े हुए, उसका अभी तक बिल क्यों नहीं बना और वो अभी तक डिलीवर हुआ क्यों नहीं? बिल कैसे बनेगा जब तक वो माल नहीं देखने आएगा? ये क्या बात हुई, उसे माल लेना नहीं है क्या? उसे पता नहीं हम कितना बिजी रहते हैं, हमारे पे मिनट मिनट का टाइम नहीं है। वो तो आया था पर मैं वहां था नहीं। दुकानदार होके तुझ में इतनी अकल नहीं है? जब तक वो माल लेगा नहीं, हम आगे पैसे देंगे कहां से और नया माल लेंगे कहां से? मैं क्या करूं, तीन तीन घंटे वहां जाम में फंसे रहो। आपको कितनी बार कहा है मार्केट में एक घर ले क्यों नहीं लेते? मार्केट में घर ले लो, मेरे से तो वही नहीं रहा जा रहा तेरे साथ जहां पे हम अभी रह रहे हैं। तेरे से एक सिंपल सा कस्टमर नहीं संभल रहा है, तू क्या दुकानदार बनेगा? सामान खाक बेचूं आप? थू, पहले कस्टमर को सेल्समैन से मिलवाओ तो सही। तीन तीन बार कस्टमर मेरे को जाम में से उठा के गोदाम लेके गया है, सारा इंप्रेशन तो वही खत्म हो जाता है मेरा। इंप्रेशन का दुकानदारी से कुछ लेना देना नहीं होता है। होता है, मम्मी जी कहती है होता है, चाहे सेल्समैन देखने देखने में कैसे भी हो, इंप्रेशन बिल्कुल जरूरी होता है। देखने देखने में क्या, तेरी मैकेटरीना कैफे खुद तो वो चुड़ैल है, तो फिर उन्हें मिला भी क्या? भूत। बस इस भूत और उस चुड़ैल ने शादी करके क्या जन्मा? इस राक्षस को जन्मा। और मुझे तो कभी कभार शक होता है कि ये मेरी औलाद है ही नहीं। हॉस्पिटल में किसी ने दुश्मनी निभाने के लिए तुझे बदल दिया। ऐसा कोई अपना बच्चा आपको दे देगा? जैसे आपके हालात है ना, आपको सोए भी कुत्ते का बच्चा भी ना दे। ओ तू थोड़ा धीरे बोल, तेरे को भगवान का वास्ता, तू थोड़ा धीरे बोल। तू यार 12 बजे आ जाएगा पर तू मेरे से दुकान पे बहस मत करा कर। तेरी वजह से पूरे व्यापार मंडल में मेरी थू तो हो रखी है। सब यही मजाक बनाते हैं, सामान लेना है तो हमसे लो और मजाक करना है तो उसके पास चले जाओ। ये कोई मतलब की बात है? ओ डैडी हर्ट ना हो और हौसला रखो, ऐसे आपका बेटा नंबर वन सेल्समैन नहीं है। वो तू सेल्समैन बाद में बनी हो, पहले जा उसका माल पैक करा और उसे बिल बना और उसके पास माल पहुंचा। जा। ओके डैडी, रिलैक्स, जा रहा हूं मैं, बाय।